हैशटैग बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं गौरव शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत के बाद अब अगली लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी निकल पड़ी है। वैसे तो 2022 का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था, जिसका जिक्र पीएम मोदी इशारों में खुद कर चुके हैं। इस बीच एक और सियासी जंग छिड़ने वाली है। बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी की नज़र विधान परिषद के चुनाव पर है, जिसको देखते हुए बीजेपी बड़ी प्लानिंग करने में जुट गई है। MLC चुनाव में उम्मीदवारों का चयन बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रही है। हर स्तर पर बीजेपी मजबूत पकड़ रखना चाहती है और इसी कड़ी में प्रत्याशियों के नाम का मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बीजेपी ने बना ली है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा, क्योंकि यूपी में दोबारा से सत्ता में आने के रंग को बीजेपी फीका नहीं करना चाहेगी। पूरी ताकत के साथ बीजेपी MLC के चुनाव में भागीदारी करने वाली है, तभी मंथन का दौर भी जारी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुकाबले में आने को तैयार है। अखिलेश यादव MLC चुनाव को लेकर तैयारी धीरे धीरे करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी अब विधान परिषद की सभी सीटों पर गहन मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद की सभी सीटों पर 3-3 नामों के पैनल मांगे थे और बीजेपी के अधिकतर सीटों के लिए नाम भी मिल गए हैं। जो नाम पैनल को मिले हैं, कोर कमेटी की बैठक में उन्हीं नामों पर मंथन हुआ है। विधान परिषद के अधिकतर सीटों पर वरीयता का भी ख्याल भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है। नामों के इस पैनल को केंद्रीय पार्लियामेंट्री को भेजा जाएगा। विधान परिषद की 36 सीटों के प्रत्याशियों का चयन 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान रखकर किया जा रहा है। सक्षम प्रत्याशी के साथ ही सामाजिक समीकरणों पर भी बीजेपी का फोकस है। दूसरे दलों के MLC भी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस पर भी विचार विमर्श बीजेपी करने में जुट गई है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही कई दलों के भी MLC बीजेपी में शामिल हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारे हुए उम्मीदवारों को MLC बनाने के मूड में नहीं है। ऐसे में सभी 36 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी का चयन हो जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकें। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी और सपा में है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और सपा में टक्कर थी, ठीक वैसा ही अब MLC चुनाव में होने वाला है। वहीं MLC की 36 सीटों की खींचतान में दूसरी पार्टियों का भी रोल अहम होगा। क्रॉस वोटिंग भी इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्रॉस वोटिंग का सबसे ज्यादा डर समाजवादी पार्टी को रहेगी। सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी को अपने समीकरण बदलने होंगे। हालांकि अभी MLC की जंग शुरू हुई है तो खिंचतान देखने को मिलता रहेगा। वार पलटवार का दौर भी जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव में करारी हार पर क्या अखिलेश यादव MLC चुनाव में जीत शुरू करेंगे या फिर बीजेपी एक बार फिर से सपा को पटकनी देने में सफल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।